10/7/2024 को एक अच्छा अनावरण ऑब्जर्व पुलिस से थाना जानकीपुरम में हमारा क्राइम टीम द्वारा किया गया है। विक्टिम्स को पाया जाता था, उनसे जो भी चीज़ है, चेन हो गया, पर्स हो गए, ये झपटा मार देता था। अभी फिलहाल इस घटनाओं में दो ही व्यक्ति मौजूद था, दोनों व्यक्तियों को हम लोग गिरफ्तार किया। दस सात 2024 को एक अच्छा अनावरण नॉर्थ जोन पुलिस खासतौर से थाना जानकीपुरम में हमारा क्राइम टीम द्वारा किया गया है। एक घटना हुआ था 3 तारीख को, जिसमें से एक महिला जो कि जा रहा था, उनका पर्स लूटा गया था। वो प्रसूत महिला के हस्बैंड के तहरीर पर मुकदमा अपराध संख्या 205/24 पंजीकृत किया गया था। इस संबंध में कल 9/7/2024 को दो अभियुक्तों को पुलिस टीम जानकीपुरम एवं डीसीपी नॉर्थ क्राइम टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया था और लूटा गया पर्स, पैसा एवं वादनी का आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेज भी बरामद किया गया है। तो अभियुक्त का पहचान ऐसे हुआ है, देशराज शर्मा पुत्र प्यारेलाल 35 ईयर्स ऑफ एज, जो कि मूलतम थाना बिनीगंज हरदोई के रहने वाला है, और दूसरा है दीपक द्विवेदी पुत्र कृष्णदत्त 30 साल, जो थाना बीकेटी का रहने वाला है। इसमें आपराधिक इतिहास के अगर बात किया जाएगा तो दीपक के ऊपर लगभग 14 मुकदमे हैं, जिसमें गैंगस्टर एक्ट के भी मुकदमा पहले से दर्ज है, और ये लगातार लूट का आदि है और बहुत ज़्यादा लूट का घटना कारित किया गया है। इनके साथ ही जो दीपक है, सॉरी देशराज है, ये इनके ऊपर भी 2 अभियुक्त पंजीकृत है, जिसमें से 1 लूट का अपराध भी पंजीकृत किया गया है। सर, दीपक गैंगस्टर का आरोपी है जिसके ऊपर 14 मुकदमे हैं जी। दूसरा देशराज की अगर बात किया, देशराज कैसे कैसे कनेक्शन हुआ है आपस में? तो आपस में दोनों लोग दोस्ती है। इनके जो ऑफ टाइम है, ये देशराज लकड़ी का काम करता था और दीपक जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का काम करता था, तो आपस में ऐसे ही तालमेल हुआ, उनका बैठकबाजी हुआ। इसमें जो घटना में प्रयुक्त गाड़ी भी जो हम लोग बरामद किया गया है, एक नया मॉडल TVS का अपैची का गाड़ी है, वो जो देशराज के भाई के नाम पे है, इसी से तेज तरार तरीके से हेलमेट पहन के वो घूमता था, और जैसे जैसे अकेला महिला जो विक्टिम्स को पाया जाता था, उनसे जो भी चीज़ है, चेन हो गया, पर्स हो गया, ये झपटा मार देता था। So, इसका भाई भी इन्वॉल्व है क्या? नहीं, इसका भाई बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है, इनका गाड़ी लेके गया था। तमंचा लिए रहते थे? जी, ये लोगों के पास तमंचा रखता था। जब हम लोग गिरफ्तार किया था, इनके पास से एक तमंचा भी बरामद किया गया है। जैसे मैंने बोला, ये बहुत पेशेवर अपराधी है, और भी कई घटना किया है, नहीं किया है, ये जांच का विषय है, और लगातार हम लोग कोशिश करेंगे कि इसमें और भी घटना अगर ये लोग किया है तो उसका खुलासा हो। सर, और भी इनके साथ इन्वॉल्व है क्या? अभी फिलहाल इस घटनाओं में 2 ही व्यक्ति मौजूद था, दोनों व्यक्तियों को हम लोग गिरफ्तार किया।